गाइस, यू आर वाचिंग लाइव जर्नल्स विद सारा शख्सत। मैं मौजूद हूँ अताबाद लेक में और यहाँ पे होने जा रहा है 7 days ऑफ विंटर फेस्ट, जिसमें होंगे मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सयाह करेंगे यहाँ का रुख। अभी इस वक्त क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी है, बहुत सारे सयाह यहाँ पे आए हुए हैं। गिलगित से जर्नलिस्ट की टीम भी आई हुई है, हमारे साथ मौजूद है शरीन करीम, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कैसा लग रहा है ठंड में आके, क्या कुछ कर रही हैं, इन्जॉय कर रही हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर माइनस में है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और अभी तो इवेंट स्टार्ट नहीं है, तो इंशाल्लाह जब इवेंट स्टार्ट होगा तो हम लोग इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, इसको कवर भी करेंगे। क्योंकि नाजिन इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों का मौसम अपने उरूज पे है और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ प्रोग्रामात इनका किए जा रहे हैं और जिसका ये मेगा इवेंट जो है इस वक्त अताबाद लेक में जारी है। मेरा नाम अक्षा मलिक है और हम वैसे तो बिलोंग पिंडी से करते हैं, तो इधर गिलगित में हमारी पोस्टिंग है तो हम इधर आए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम विंटर्स में हम विज़िट कर रहे हैं इधर अताबाद। हमने सुना था कि फ्रोज़ हो जाती है विंटर्स में, तो वही दिखने आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सारा यहाँ पे, ये जो फ्रीज़ हुआ है सारा पानी इसका, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है, फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? उनके लिए कहूँगी कि ज़रूर विंटर में निकलें, वैसे तो बाहर के मौसम में तो सारे आते हैं यहाँ पे इंजॉय करते हैं, लेकिन विंटर्स में जो है ना ज़रूर आएँ और यहाँ की ब्यूटी को इंजॉय करें, यहाँ की ब्यूटी को इंजॉय करें और नेचर को इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है -25। मेरा नाम अनूर हंजाई है, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं बड़े गेस्ट यहाँ आए हैं, उनसे भी मैंने बात की, बड़े यार दोस्त आए हैं, टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ, यहाँ आके हमें बड़ी खुशी हुई, यकीन करें। यह मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है और इस तरह के इवेंट करने से यकीनन न सिर्फ हमारे लोगों के, ये जो यंग जनरेशन है उनका माइंड चेंज होगा, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, खेल कूद में हिस्सा लेंगे और उनकी जो माइंड सेट जो बना हुआ है वो चेंज होगा। यही चाहते हैं कि यही एजुकेशन का मतलब यही है कि आप एरिया में ऐसे काम करवाएं, ऐसे एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएँगे तो यकीनन इलाके की तरक्की होगी। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो फीस्ट इस दफ़ा फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएट है, हम लोग बहुत खुश हैं। बेसिकली मैं अताबाद की हूँ, यहाँ पे कई दिनों से यहाँ की आवाम बहुत मेहनत कर रही है, इस पे काम कर रही है, बेशक यहाँ ठंड बहुत है, हवाएं चल रही है और हमें लगता है इस तरह के जो, क्योंकि सर्दियों में कोई इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे और लोग आते नहीं थे, इस तरह के अगर इको सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलप किया जाए इस रीजन में तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और इसमें जैसे कि कोई लोकल गेम्स भी हो रहे तो फिर अब नहीं चल रहे थे वो दोबारा लोगों को पता चलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जो 7 days ऑफ फीस करवाया है, ये किस कदर खुशाइन साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम फैसल पीरज़ादा है, मैं यहाँ सेक्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हूँ और इन्वायरमेंट भी, और ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। ये मैं पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कि ये पहली बार एक यकजा करके एक इवेंट बनाया गया है। आपको पता है कि यहाँ पे जब नवंबर के बाद जो है ना बहुत सारे किसी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती गिलगित बल्तिस्तान में, ज़्यादातर जो लोग हैं या तो डाउन की तरफ चले जाते हैं या फिर यहाँ पे अपने घरों में महसूर हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम देखा जाए तो विंटर स्पोर्ट्स और विंटर एक्टिविटीज़ जो है ना वो लोग स्पेशली अपना हॉलीडेज़ मनाने के लिए जा रहे होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लाते हुए हमने भी अपना किरदार अदा किया है एज़ अ पार्टनर इस मामले में, और ये चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं वो हमारे जो यहाँ मुख्तलिफ कमांडर मुख्तलिफ एजेंसीज़ के हैं उन सब ने मिल के ये गवर्नमेंट ने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि हम विंटर स्पोर्ट्स के लिए, विंटर एक्टिविटीज़ के लिए खोलेंगे ताकि ये जो होटल्स बंद हैं उनसे मुंसलिक जो रोज़गार लोगों के बंद हैं वो भी खुलें, पाकिस्तान का एक इमेज इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे और ज़्यादा जाए, लोग डाउन से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ पिशावर, सारे मुल्क के जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, दे शुड कम, दे शुड इंजॉय द विंटर स्पोर्ट्स। इसके अलावा स्कर्दू और बल्तिस्तान रीजन, दूसरी रीजन्स में भी साइमल्टेनियसली ये बहुत बड़ा इवेंट कुछ ही सालों में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो इवेंट है ये सिर्फ शुरुआत है और अगले साल इससे बड़ा इवेंट होगा और ये इवेंट हर साल होता रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस मज़ीद वीडियोज़ के लिए, थैंक यू।